सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं सतपाल जांबा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पुंडरी एक ऐसी विधानसभा है जहां से लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता चुनाव जीत करके आया है। ज्यादातर वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बार सतपाल जांबा पुंडरी से चुनाव जीते। जब वो विधानसभा का चुनाव जीते और उसके बाद संभवतः वो धन्यवादी दौरे पर गए थे, तो उनके धन्यवादी दौरे के दौरान एक बात चल पड़ी थी और वो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी चली थी। बात ये थी कि किसी गांव में गए थे और उन्होंने कहा था कि गांव की महिला सरपंच को बुलाओ भाई, ताकि हम भी थोड़ी फीलिंग ले लें। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर कहा भी कि वो सरपंच हमारी बहन जैसी हैं और जो मैंने कहा उसका कहने का मायने ये नहीं था, मकसद नहीं ये नहीं था। हमने भी इसको लेकर के आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं, वो मुद्दा इससे इत्र है, इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि वो मुद्दा जुड़ा हुआ सतपाल जांबा जी से ही है। सतपाल जांबा विधानसभा में बोल रहे थे, विधानसभा का सेशन चल रहा है, अभी तो छुट्टी है उसकी, आज तो छुट्टी रही, अवकाश है, आज और कल भी अवकाश था, 13-14 दो दिन चला और अब 18 तारीख को होगा। 15 तारीख को गुरु पर्व था, आज 16 तारीख है, शनिवार है, कल रविवार है और 18 तारीख को विधानसभा सत्र का तीसरा दिन होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सतपाल जांबा ने जब अपनी बात कही विधानसभा के अंदर, तो सतपाल जांबा की बात ने खासकर मीडिया और सोशल मीडिया को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। सतपाल जांबा जो विधानसभा में बोल रहे थे, मैं उनकी बात से कितना सहमत हूं या कितना असहमत बात वो नहीं है। सतपाल जांबा जो विधानसभा में बोल रहे थे वो बात ये जरूर थी कि उस पर गौर तो किया जाना चाहिए और उस पर गौर होना चाहिए खासकर आज के मीडिया का, आज के मीडिया के लोगों का, कि आखिर उन पर ऐसी उंगलियां क्यों उठती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के इस युग में भले ही इसका कितना फायदा है, लेकिन सोशल मीडिया का नुकसान क्या है, सोशल मीडिया के जो बैड इम्पैक्ट हैं वो कौन से हैं, नज़र उस पर भी होनी चाहिए, नज़र समाज की भी होनी चाहिए कि वो भी ऐसे लोगों की परख करें, पहचान जरूर हो, पड़ताल जरूर हो कि आखिर कौन ऐसे, कई ऐसे तत्व तो नहीं बीच में आ गए जो मीडिया के स्वरूप को बिगाड़ रहे हों। आज दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, नेशनल मीडिया डे, नेशनल प्रेस डे, आज के दिन एक दूसरे को बधाई के दौर चल रहे हैं। और आज ही मैं सोशल मीडिया पर वो, क्योंकि उस दिन उनका भाषण विधानसभा का कहीं सुनने को नहीं मिला था, और आज उनकी सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देख रहा था कुछ अलग अलग फेसबुक पेजेस पर। आप भी उस वीडियो को देखिए, पहले सतपाल जांबा की बात सुनिए, वो जो कह रहे हैं विधानसभा के अंदर, पहले उसे सुनिए फिर हम आपसे बात करते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं, ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गाइडलाइन है, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है। वो मैं जब देखा कि इलेक्शन में कम से कम 200 पत्रकार पता नहीं कहां से निकल के आते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई हम आपका प्रचार करेंगे, अगर उनको मना कर दें पैसे कहाँ मेरे पास, बोले हम आपके आपके लिए उल्टा लिख देंगे। तो मैं कहता हूँ प्लीज उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, कोई गाइडलाइन बनाई जाए, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। अब तो नया साल भी आने वाला है, वो फिर आ जाएंगे सारे पैसे मांगने के लिए, तो प्लीज इसके बारे में जरूर गाइडलाइन जारी की जाए। इस वीडियो में आपने सुना कि सतपाल जांबा कह रहे हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं इनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, सोशल मीडिया पर जो अपने पेज बनाकर के जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए। सतपाल जांबा की इस बात को आप दो अर्थों में ले सकते हैं। एक बात तो वो जा सकती है कि क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो सतपाल जांबा के लिए मीडिया में चला था, लेकिन मेरा इससे अगर कोई फ्रस्ट्रेशन कहेगा तो मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है,
सतपाल जांबा के बारे में उनके मुंह से जो निकला, सभी ने वो वीडियो चलाया, वो अलग मैटर है। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही है उस अपने भाषण में विधानसभा के अंदर, सतपाल जांबा विधानसभा के अंदर अपने भाषण में कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150-200 से ज़्यादा पत्रकार आ गए थे। बड़ी गजब की बात है। एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र, वो भी कैथल जिले का पुंडरी विधानसभा क्षेत्र, जिसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, अगर वहां पर 150-200 पत्रकार हो, सोशल मीडिया के पत्रकार। मैं यही कह रहा था कि सोशल मीडिया के गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। सोशल मीडिया का गुड इम्पैक्ट तो ये है कि यहाँ पर कही गई बात बहुत दूर तक जाती है और यहाँ पर सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी का कहीं क्या कहीं बेजा फायदा भी उठाया जाता है। सतपाल जांबा कह रहे हैं कि उनके पास में ऐसे कई लोग आते थे, ऐसे कई सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और फेसबुक पेज बना करके मीडिया चलाने वाले लोग, जिनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सतपाल जांबा का कहने का मतलब यही है। वो कह रहे हैं कि उनके पास वो लोग आते थे और पैसे की डिमांड करते थे, और इसके साथ कहते थे कि आप पैसा दो तो हम आपके पक्ष में चलाएंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम आपके पक्ष में नहीं चलाएंगे। सतपाल जांबा की बात, ये मीडिया का स्वरूप कोई दोस्तों आज का ये नहीं है। मीडिया पर उंगलियां हमेशा उठती रही हैं, और जब उंगली उठती है तो वो फिर हर व्यक्ति पर उठती है, उस फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति पर, और कई बार पीड़ा भी होती है। दोस्तों सबसे प्रमुख बात एक और है, जब सतपाल जांबा विधानसभा में बोल रहे थे तो ताल, यानी कि जब वो कह रहे थे कि अब नया साल आएगा आ जाएंगे, जब वो कह रहे थे कि इतने इतने पत्रकार आ जाते हैं सोशल मीडिया के, तो विधानसभा का सदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कर रहा था, उनकी बात में अपनी बात मिला रहा था। ये और बड़ी चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं, ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गाइडलाइन है, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है। जब सतपाल जांबा की इस बात को मैं सुन रहा था तो मुझे याद आया एक बहुत पुराना वाक्या है, पलवल जिले का। फरीदाबाद के सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय रामचंद्र बैंदा। स्वर्गीय रामचंद्र बैंदा एक अखबार के जिले के कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। उस अखबार के कार्यालय का उद्घाटन करते समय रामचंद्र बैंदा जी ने एक बात कही। स्वर्गीय रामचंद्र बैंदा ने कहा कि उनके पास एक पत्रकार आता था, वो कहता था नहीं तो छाप दूंगा, आप ये कर दो नहीं तो छाप दूंगा, आप वो कर दो नहीं तो छाप दूंगा। बड़े गजब मायने, इसलिए मैंने कहा कि मीडिया का स्वरूप और मीडिया पर जो उंगली उठने की बात है आज की नहीं है। खैर, सतपाल जांबा कह रहे थे विधानसभा के अंदर, और उनकी बात ऑन रिकॉर्ड है। सतपाल जांबा विधानसभा में कह रहे थे कि चुनाव के दौरान, जो मैंने आपको बताया, फिर दोहरा रहा हूं, कि 150 से 200 के करीब पत्रकार आ जाते थे और वो उनसे कहते थे कि आप ऐसा करो नहीं तो हम वैसा करेंगे। सतपाल जांबा ने इससे बढ़कर एक बात और दोस्तों और कही। उन्होंने कहा कि अब नया साल आ रहा है, 1 जनवरी आएगी और वो फिर लोग आएंगे। मतलब क्या दयनीय स्थिति बन गई पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। सोशल मीडिया पर जब से दोस्तों चला ये, खासकर फेसबुक और यूट्यूब के पेज बना करके, मैंने आपको पहले बताया कि ये इसके जितने बेनिफिट हैं, इसके जितने गुड इम्पैक्ट हैं, इतने ही बैड इम्पैक्ट हैं। आज आप कोई भी देखें, किसी को देखें, हर व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल ले करके वो पत्रकार हैं, और वो कहीं कुछ भी चला देते हैं, कहीं कुछ भी कह देते हैं। अथेंटिसिटी कोई है नहीं, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी कह देना, कहीं भी कह देना, कभी भी कह देना, और उसकी कोई जवाबदेही ना होना। मीडिया का काम है कि जानकारी देना, मीडिया का काम है सही बातें लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आज जो स्वरूप मीडिया का बनता जा रहा है, उसी की वानगी है कि सतपाल जांबा जैसे विधायक वो विधानसभा के अंदर कह रहे हैं और सीधे सीधे पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं ना, आपने सुना ना, वो कह रहे हैं ना कि अब जनवरी आ रही है, नया साल आ रहा है, फिर आ जाएंगे, फिर मांगेंगे। ये क्या स्थिति बन गई दोस्तों। मैंने जो कहा कि सतपाल जांबा की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि फ्रस्ट्रेशन की बात से मैं सहमत कम और असहमत ज़्यादा हूँ। अगर उनकी वो फ्रस्ट्रेशन है तो वो सतपाल जांबा का अपना मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने जो इस प्रकार के शब्द कहे थे और बाद में उन शब्दों को पलटा था, ये उनकी अपनी समस्या है, अपनी बात है। लेकिन जब बात आ जाती है मीडिया कर्मियों पर,
और मीडिया कर्मियों में जब ये कहा जाता है कितने लोग आ जाएंगे और फिर नया साल मांगेंगे, आप देखते होंगे दीपावली और होली पर एक मानव जाति का एक जेंडर है, उनको बाजार में मांगने जाते हैं तो लोग कहा करते हैं कि वो आ गए, देखो होली आ गई, वो आ गए। और क्या यही स्थिति बन गई मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की? क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज पर नहीं उंगली उठ रही है? विधायक महोदय विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि नया साल आएगा, वो फिर आएंगे, फिर मांगेंगे और फिर ब्लैकमेल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया के दोनों पार्ट, सोशल मीडिया का गुड इम्पैक्ट का पार्ट तो यही वाला आ जाता है कि इसमें जानकारी बहुत जल्दी और बहुत दूर तक चली जाती है, और बैड इम्पैक्ट ये है कि आज जो व्यक्ति चाहे, जो जिसका मन करता है वो आकर के वैसा कह देता है। आज जरूरत है कि सोशल मीडिया को लेकर के भी सरकारें पॉलिसीज बनाएं, सरकार की सोशल मीडिया को लेकर भी पॉलिसी हो, कौन व्यक्ति आ सकता है कौन नहीं आ सकता, उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से क्या दिया जाए, उनके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से कौन सी उनकी जिम्मेदारी तय हो, सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ कौन सी ड्यूटी तय हो, जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग के साथ कौन सी जिम्मेदारी तय हो, ये सब कुछ आज ये समय आ गया है जिसकी समीक्षा होनी जरूरी है, और समीक्षा करनी पड़ेगी मीडिया के वर्ग को भी, मीडिया के ग्रुप को भी समीक्षा करनी होगी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं समीक्षा उनको भी करनी होगी और आत्ममंथन भी करना होगा। और नहीं तो कोई वो दिन दूर नहीं है, आज तो विधानसभा में बात हो रही है, कल गली कूचे के अंदर कोई भी खड़ा होकर के कहेगा कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए चले आते हैं। सतपाल जांबाज ने जो विधानसभा के अंदर कहा, मैं आपको वही बता रहा था कि बात किसी की सहमति या असहमति की नहीं है, बात वर्तमान में मीडिया के और खासकर सोशल मीडिया के इस युग में गिरती हुई सामाजिक प्रतिष्ठा की है। इसके लिए सबसे बेहतरीन, जो बेहतर है, सबसे जरूरी है, सोशल मीडिया के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी का निर्धारण किया जाना आज लाजिम है, वो जरूर किया जाना चाहिए। तय एक मापदंड होने चाहिए कि इन लोगों के बीच में ये लोग आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। अगर वहाँ कहीं खबरों का गलत चयन होता है या किसी के बारे में, किसी की पर्सनल खबरें गलत मंशा से, गलत नीयत से चलाई जाती हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई तय होनी चाहिए। आप हमारी इन बातों से कितना सहमत हैं? क्या वाकई सोशल मीडिया के इस युग में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तय करना या उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय करना क्या यह जरूरी नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं, क्या उनकी वजह से किसी की कोई छवि कहीं खराब हो रही है? और आपको क्या लगता है कि अगर कुछ ऐसा है तो इस पर सरकारों को, शासन प्रशासन को क्या एक्शन लेने चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।